हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम लिट्टी चोखा बनाएंगे, इसे बाटी चोखा भी कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। चोखा बनाने के लिए मैंने 3 पाव आलू लिए हैं और 3 पाव बैंगन लिए हैं। इन्हें अच्छे से धो लिया है। बैंगन में डालने के लिए मैंने लहसुन मिर्चा लिया है। अब हम बैंगन को काटेंगे। बीच से काट कर देख लेंगे कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। अगर कीड़े वाला बैंगन है तो उसे हटा दीजिएगा। अब बैंगन में कट लगाकर हम उसमें लहसुन की कलियां डालेंगे, बिल्कुल इस तरह से। चोखे में लहसुन ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने लहसुन का यूज ज्यादा किया है। इसी तरीके से कट लगाते हुए लहसुन की कलियों को बैंगन में डालते जाएंगे। लहसुन डालने के बाद अब हम बैंगन में मिर्चा भी डालेंगे। मिर्चे की डंडियों को तोड़कर अलग कर देंगे। फिर बैंगन में कट लगाएंगे। और मिर्चे के 2 भाग कर लेंगे। अब इस तरीके से मिर्चे भी बैंगन में लगा देंगे। बिल्कुल इस तरीके से लहसुन मिर्चा सभी बैंगन में हम लगा देंगे। अब हम आलू बैंगन को उबाल लेंगे। अगर आपके पास भूनने की सुविधा हो तो भुना हुआ चोखा ज्यादा अच्छा लगता है, आप उसे भी बना सकती हैं, नहीं तो उबाल के भी बना सकती हैं। आलू और बैंगन दोनों उबाल लिए हैं। आलू को मैंने छील लिया है। अब आलूओं को मैश करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैश करिएगा, पूरी तरीके से नहीं फोड़ दीजिएगा। आलू मैश हो चुके हैं। अब हम बैंगन का छिलका उतार लेंगे और बैंगन की डंडियां भी अलग कर देंगे। इसी तरीके से सारे बैंगन के छिलके हम उतार लेंगे। बैंगन में मैंने जो लहसुन मिर्चा लगाया है उबालते समय, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने लगाया है। चोखा बनाने के लिए मैंने बारीक कटी हुई धनिया ली है, ग्रेटेड अदरक लिया है, 1 कटोरी टमाटर लिया है और 1 कटोरी प्याज लिया है। अब बैंगन को अच्छे से चम्मच से मैश कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को आप चाउड भी कर सकती हैं।
अब बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अब 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। सबको अच्छे से मिला देंगे। अब मैश किए हुए आलू डालेंगे। आलूओं को भी अच्छे से मिला देंगे। अब बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती को भी अच्छे से मिला देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। मैंने चोखे में अलग से मिर्चा नहीं डाला है क्योंकि मैंने पहले ही मिर्चा लगा दिया था। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा मिर्चा और डाल दीजिएगा। चोखा हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक बोल में चोखे को निकाल लेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि लहसुन मिर्चा जब आप बैंगन में लगा दें तो अलग से ना डालिए। अब हम चल रहे हैं लिट्टी बनाने। सबसे पहले लिट्टी की स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है, 1 चम्मच मगरैल लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है। अगर आप मगरैल कम पसंद करते हैं तो 1/2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब तीनों चीजों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, धुआं निकलने लगा है। तीनों चीजें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके पीसेंगे। इसे काफी बारीक पीसना होता है, इसलिए मैंने इसको सिल पर पीसा है। आप ग्राइंडर में भी पीस सकती हैं। लिट्टी में डालने के लिए ग्रेट किया हुआ अदरक लेंगे, बारीक कटी हुई लहसुन लेंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती लेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे और बारीक कटी हुई प्याज लेंगे। अब हम सत्तू लेंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम सत्तू लिया है। ये सत्तू भुना हुआ है। अब सत्तू में सभी चीजें ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि लहसुन को बारीक काटिएगा और लहसुन की मात्रा थोड़ा ज्यादा रखिएगा, तभी स्वाद बढ़कर आएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने जो मसाला भून के पीसा था उसे भी ऐड करेंगे। और अदरक का पेस्ट अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालिएगा। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसमें 4 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। अब नींबू के रस को भी अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें
दो लाल मिर्च का अचार डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको डालने से सत्तू का फ्लेवर और बढ़ जाता है, इसलिए हम डाल रहे हैं। अब चम्मच को हटाकर हाथ से अच्छे से मसाले को मिला देंगे, बिल्कुल इस तरह से। जब सभी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी तो मिर्चे का छिलका हम निकाल कर हटा देंगे। अगर आपके पास मिर्चे का अचार है तभी डालिएगा, इसकी जगह कोई और अचार न डालिएगा। मिर्चे का अचार डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए मैं डालती हूँ। हमारी लिट्टी की स्टफिंग तैयार हो गई है, अब हम लिट्टी बनाएंगे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। लिट्टी बनाने के लिए मैंने दो बड़े कटोरे आटा लिया है। बाटी आपको जितनी बनानी हो आप उसी हिसाब से आटा लीजिएगा। अब हम आटे में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसको इसलिए ऐड करते हैं कि स्टफिंग और आटे में नमक एक साथ मिला रहे तो खाने में स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने नमक दो जगह ऐड किया है, स्टफिंग में और आटे में, तो उसी हिसाब से नमक डालिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है, ना बहुत सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा गीला। आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा गुथा है हमारा। अब हम लिट्टी बनाने के लिए लोई काटेंगे। लिट्टी की लोई भी आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकती हैं, जिस हिसाब से आपको छोटी बड़ी बाटी बनानी हो। हम अप्पे मेकर में लिट्टी बनाएंगे, इसलिए उसी हिसाब से लोई काटेंगे। अब लोई को थोड़ा सा बेलन से बेल लेंगे। अब हम इसमें लिट्टी की स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग थोड़ा अच्छे से डालिएगा, कम से कम 2 चम्मच स्टफिंग होनी चाहिए। स्टफिंग डालने के बाद बाटी को इस तरीके से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हाथ से गोल कर लेंगे और एक्स्ट्रा आटा जो रहे उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए ऐसा करने से लिट्टी में गांठें नहीं पड़ती हैं, इसलिए एक्स्ट्रा आटा हम निकालते हैं। हमारी लिट्टी तैयार हो गई है, अब इसी प्रकार सारी लिट्टी तैयार कर लेंगे। लिट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब हम लिट्टी को अप्पे पैन में सेट करेंगे। अप्पे पैन को ग्रीस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी ग्रीस नहीं किया है। सारी बाटियों को इसी तरीके से रख देंगे।
अब लिट्टी को हम ढक देंगे और लिट्टी को धीमी आंच पर हम पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर हम चेक करते रहेंगे क्योंकि हमें लिट्टी को उलटना पलटना भी है। अब हम लिट्टी को पलट देंगे। सावधानी पूर्वक पलटिएगा कि हाथ ना जलने पाए। गैस की फ्लेम को स्लो पर ही रखिएगा, फिर हम लिट्टी को ढक देंगे। दोस्तों अप्पे पैन में लिट्टी बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बाटी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। थोड़ी देर बाद हम फिर लिट्टी को चेक कर लेंगे और लिट्टियों को पलट देंगे। कम से कम अप्पे पैन में लिट्टियों को 3 से 4 बार हम पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ अच्छे से सिक चुकी है। लिट्टी पलटने के बाद हम फिर ढक देंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि समय समय पर आप अप्पे पैन में चेक करते जाइएगा, नहीं तो लिट्टी आपकी कड़ी हो जाएगी। अब सभी लिट्टियों के ऊपर अच्छे से देसी घी लगा देंगे। हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों हमारी लिट्टी चोखा बनकर तैयार हो गई है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।